रोडीज वेलकम टू ट्रैक एमटीवी रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इधर आप इतने खूबसूरत लग रहे हो, इनको देख के ऐसा लगता है सबको इम्यूनिटी बांट दो। सर प्लीज दे दो सर सबको एक एक आज। तो हमें कॉम्प्लेक्स देने के लिए तैयार होते हो क्या? इतने सब तैयार होके आते हो आपको सर कहां है आपका कंपटीशन ही नहीं है सर। आप कपड़ों की बात कर रहे हो, बिना कपड़ों भी खड़े हो जाओगे हमसे फिर भी बेटर लगोगे। तुझे बिना कपड़ों अरे मतलब बॉडी इतनी अच्छी है ना ब्रो, बॉडी जींस में जींस में खड़े हो जाएंगे मतलब। हिमांशु तेरी आंखें नहीं दिख रही मेरे को, आंखें कहीं और है आजकल इसलिए। कहां 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 बता ना, कहां है प्रेम, कहां पे है प्रेम? आंखें खुली हो या होलम। लेकिन सचिन बड़ा उछल रहा है सर, जरा सचिन को पूछो, इतना जो ब्लश कर रहा था, इतनी जो कोशिशें किए, कम से कम पोजीशन तो मिली बाजू में खड़े होने की। सर कोशिशें काफी हद तक कामयाब हो रही हैं, समझ रहा है भाई? सही बता। हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग जल रहे हैं उनके लिए। एक आसमान हमारा होता तू चांद में तारा होता, तारा टूट जाता। आगे आगे का आगे आगे पूरा पूरा। एक आसमान हमारा होता तू चांद में तारा होता, और जो दूर से देख रहे हैं तुम्हें जल जल के वो देखते रहे, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। सर और तू मेरी बहन है ये सबका नारा होता। सर देखो क्या है, जिसको जो बोलना है बोले, पर मैंने मेरे प्यार का थोड़ा सा तो इजहार कर दिया सर। हाँ कर दिया, सही बात है, अच्छी बात है सर। ये बहुत प्यारा है सचिन यार। तुम लोग हंसते हंसते भूल तो नहीं गए कि आज वोट आउट है? आप सब में से सिर्फ 6 रोडीज हैं जो इम्यून है, राइट? यस सर। 14 अनसेफ और 6 इम्यून, बड़ी नाइंसाफी है यार। yes. चलिए काम करते हैं हम लोग, जो इम्यूनिटी की जो कीमत होती थी बड़ी हाई होती थी, राइट? यस सर। आज मेरा मूड भी, आप लोगों ने इतना हंसाया, इतने खूबसूरत लग रहे हो सब लोग आप, सो इसलिए इम्यूनिटी की जो कीमत है वो बहुत बेसिक से लेके आते हैं। आज इम्यूनिटी की जो कीमत है वो है 1000 रोडियम। प्रिंस आपके पास है 3000 रोडियम्स, रिया आपके पास है 6500 रोडियम्स, और गौतम आपके पास है 3000 रोडियम्स। सो आप गैंग लीडर्स, अपने गैंग में से जिसके लिए इम्यूनिटी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। किससे शुरू करें? मैं से। आपसे शुरू करें? वेरी गुड। आशिका को बचाऊंगा। थैंक यू सर। मैं शिवित को बचाऊंगा। थैंक यू सर। और मैं वाशु को बचाऊंगा। थैंक यू सर। तो आपके गैंग के अंदर जो इम्यूनिटी मिल चुकी है वो शिवित को, आशिका को, वाशु को और प्रियंका को। yes. और जो अभी भी अनसेफ जोन में है वो है प्रेम एंड तारा भाई जोगिंदर। बिल्कुल लगता तुम्हें कोई वोट करेगा? यू नेवर नो सर। प्रेम अगर मैं तेरे को बताता हूँ, अगर आज तेरे को किसने वोट किया ना तो ये समझ ले कि भीड़ चाल चल रही है अभी। अगर वो तुम्हें निकालेंगे ना तो फिर वो गेम समझे नहीं। प्रिंस सर आप बोलते हो जैसे कि रोडी से कुछ भी हो सकता है, तो किसी की कोई गारंटी नहीं है। मैम आज मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पर टारगेटेड हूँ, और हमारा जो अलायंस है वो भी नहीं रहा है। क्या हुआ, अलायंस कैसे टूटी? मैम मेरी तरफ से नहीं टूटी है, गौतम सर ने जो बोला था और आपने जो बोला था मैं उसी बात पे हूँ, और जो मैंने इनको बोला मैं उसी बात पे। तो किसने तोड़ी है बता दे, तू ही बता दे नाम। मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अरे दिग्विजय डर रहा है तू किसी से? अरे डरने की बात नहीं है, मैं बोलना खुल के यार गैंग मेंबर्स के लिए नहीं बोलूंगा। हिमांशु बोलेगा। सर हमारी गैंग के अंदर बात हुई थी, प्रिंस सर भी आए थे। हमने गैंग के अंदर बात हुई थी ब्रो, बोलने देना यार। हाँ हमारी गैंग के अंदर बात हुई थी, प्रिंस सर भी आए थे। मैं सच में तुम्हें एक भाई की तरह बता रहा हूँ, तुम अगर आपस में से खेलोगे ना तो तुम बोल पाते हो एक दूसरे को कि ये लाइन्स टूट जाएगी, लाइन्स टूट जाएगी, और ऊपर से नंबर्स में तुम उनको सॉलिड कर रहे हो, ठीक है? और अगर कल को सोचो तुम सारे टास्क जीत सकते थे, आज तुम टास्क नहीं जीते। Exactly. कल को अगर उन्होंने हमारी खाली कर दिया, वो 8-8 पड़े हैं, ठीक है, और तुम टास्क हार गए तो तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग उड़ाएंगे ना, स्ट्रॉन्ग उड़ा देंगे, तो एटलीस्ट उनके भी एक दो स्ट्रॉन्ग उड़ाओ। हाँ
पर हमने इस बार ये किसी को भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं ना रिया मैम की यंग को ना उनको हम अब अपनी पर्सपेक्टिव से खेल रहे हैं। ओ, तो फिर बोलो क्या पर्सपेक्टिव है भाई? बात सब पता है भाई, सब पता है। नहीं बैठे इधर। वोट आउट से पहले तो मेरे पास आया, मैं तुझे बोला ना कि ब्रो हम लोग पर्सपेक्टिव से खेलेंगे, जिसका जो पर्सपेक्टिव है उस वो रखेगा और ऐसे खेलेगा। नहीं बताया फिर सुन, बताया ना ब्रो, पहले ना वर्ड देके मच्छा था हम लोग का, ठीक है? तेरा वर्ड था, तू भी पलट के हमारी गैंग खराब नहीं कर देना। तूने सुन मेरी बात, अभी मेरी बात सुन। जब अलायंस में बात हुई थी कोई, तूने वो बाहर जाके निकाली थी बात, तूने भी हमारा ट्रस्ट ब्रेक किया था। तो फिर खुला बोल मुंह पे। नहीं बोला हां, नहीं बोला खुला। मुझे बोलता है कि मैं खुला नहीं बोला, खुला नहीं बोला तेरे को। लड़ाई करो, सुन ले, मैं ने बोलता लड़ाई करो, जो भी हो जैसा हो, फिर भी अपने वॉच पे ले रहे। तो बोला ना फिर उसे, योर गैंग इज ब्रेकिंग द अलायंस, नॉट माइन। वो प्रिंस की बात ज्यादा सुनते हैं, वो प्रिंस की बात सुनना चाहते, तेरी नहीं। ऐसा कुछ नहीं भाई, जब ने बात करने अपने बाप का नहीं। सर इनको सोल्जर मत बोलना आज के बाद, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ये लुक्के सोल्जर है। प्रिंस भाई आपने आज बोला था खुले में खेलो, मैं इनको पहले वर्ड दे चुका था, मैंने उनको वर्ड नहीं दिया, मैं तुम्हारी साइड से ही निकालूंगा क्योंकि मैं इनके साथ हूं। हाँ तो सही है ना? और तूने बोला था मैंने इनको भी मना किया, मैं नहीं एग्री कर रहा। और तूने बोला था तू डिसाइड करेगा एंड मोमेंट पे। नहीं 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 नहीं, ये तूने बोला था आखिरी मोमेंट तक डिसाइड करूंगा। नहीं भाई, मैंने बोल दिया मैं अपने वर्ड पे रहूंगा तो रहूंगा भाई। मैं अपने रोडियम बचाता हूँ, तुम अपनी करो। तुम जहां से सुन रहे हो इधर उधर से तुम आपस में लड़ रहे हो, जो करना है यार मेरी बात सुनो, मैं बचाता हूँ। चलो मैं वैसा कैंडिडेट नहीं हूँ जो तुम्हें किसी से ना रोकेगा अपनी गेम खेलने से भी। एट द एंड तुम्हारी गेम है, तुमने शाइन करना है यहाँ पे, किसी लीडर ने शाइन नहीं करना, ठीक है? और अगर तुम्हारा लीडर तुम्हें बोलने से भी रोक रहा है ना, तो फिर यार मेरे को तुम्हारे पे तरस आता है। मेरे पास भी दिमाग था, अगर मैं चाहता जो पहले इनका अलाइंस था, मैं इनको मुंह में बोल के गया था कि अपना आउटशाइन करो, मैंने तुम्हें फिर भी बोला तुम्हें अलाइंस रखने रखो, पर वो नंबर्स में आठ है, हमारी गैंग को निकाल दोगे, उसके बाद तुम एक टास्क हार गए तो तुम्हारे वैसे जाएगा, या ये जाएगा या तू जाएगा भाई, समझ इसको। या तो प्रॉमिस ले कि अगर मेरे गैंग को निकाल देंगे कि अपने चार पहले निकालेंगे फिर तुम्हें निकालेंगे, लो करो अलाइंस करो ना, रखो अलाइंस, मैं तुम्हें बोला नहीं अलाइंस तोड़ो। हां बोलेगा बोल, उनकी बात सुनो, खेलो सर, सीधी बात आपने बोली, खेलना है खुले में खेलो सर, निकल जाओ कल, कोई दिक्कत नहीं, अपने वर्ड पे रहो। एक एक करके बोलो ना यार, एक एक करके बोलो, दिमाग की दही कर दिए, यहाँ भी चिल्ला रहे वहाँ भी चिल्ला रहे, पागल हो गए हो क्या? हमारा चिल्लाना अच्छा लगता है, किसी से चिल्लाना तो बहुत बुरा लगता है, तो आराम से चिल्लाओ। इतना तक नहीं है कि कोई अपना स्टैंड ले पाए लीडर, यहाँ पर गौतम कुछ बोला जाता है, रिया बोलती तेरा गैंग प्रिंस की सुन रहा, तेरी सुन रहा, तो गौतम ओहो या ओ तुम अपनी कर लो। अरे भाई अपना तो कर लो, कुछ चला लो यार। तुम लोगों को इतना नहीं दिख रहा कि तुम दोनों के अलायंस में एक गैंग वीक हो रही थी, तो गैंग लीडर इनसिक्योर होके आया तुम्हारे पास, ये तो गेम खेल गया, नंबर है गेम खेल गया तुम्हारे साथ। सुनो भाई मेरी बात सुनो, मेरी हार जीत में लोगों को मेरा प्यार नहीं बदलेगी, ठीक है? पर मैं फट्टू गेम नहीं खेलता, मैं तुम्हें सीधी बोल रहा हूं, क्या बोला आके दिखो जाए, मैंने क्या बोलता कि तुम जिस मर्जी को आउट करो पर खुले में खेलो। सर खुले में बोला, मैंने वही बोला सर, दिग्विजय सही है सर, दिग्विजय सही है सर, इनको ना दिग्विजय सही लग रहा है क्योंकि आज ना दिग्विजय सेफ स्पॉट पे है, तो वही वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, सुन मेरी बात, तू तो बोली मत, तू तो बोली मत, तू दोगला है भाई, तू दोगला है ऋषभ, ये कोई दोगले की बात तो करो ना, दोगला यहाँ पे कौन है वो एपिसोड में दिख जाएगा सबको, कोई दोगले की बात मत करो, अगर कोई अपनी गेम खेलना चाहता है उसको दोगला बन के मत बिठाओ। मुंह पे बताया मैंने, तूने मुंह पे क्या बताया कि सारे पर्सपेक्टिव मत, तूने क्या बोला कि तू घर नहीं जाएगा यार, सब लोग एक सेकंड रुक जा, बोला कि हर कोई अपना पर्सपेक्टिव रखेगा यहां पर, अपनी पर्सपेक्टिव रुक जा सब्जी मंडी वालों, या अभी कोई नहीं, तू बता किसको इम्यूनिटी देनी नहीं देनी, क्या करना है? एक इम्यूनिटी दूंगी सचिन, क्यों मैम? तुम मेरे गैंग से किसी को निकाल दो, तो आई एम हैप्पी कि तुमने अपना स्टैंड लिया, ये हमारी प्रसादी मेरी रणवीर जी की मैंने पूरी करी है भाई। मिस यू भाई। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पे फेक और रियल की बात जो चल रही है, सबका गेम अलग होता है, कोई गंदगी से खेलना चाहता है, कोई शांति से खेलना चाहता है, कोई गंदगी से खेलना चाहता है, कोई शांति से खेलना चाहता है, कोई फेक नहीं है।
कोई चिल्ला के बोलता है, कोई आराम से बोलता है, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, ये मेरा गेम है। बाहर जाके हम देखो इंटरव्यू तो कोई लोग देते हैं, बाकी इंटरव्यू कोई देता नहीं, कोई लोग रोज देते कोई नहीं देते, इतनी सी बात है। अरे देखो हम तो पीआर रखते भी नहीं, लोग पीआर रख के आते हैं फिर भी हमें डैमेज नहीं कर पाते, इतना बुरा हो जाता है। डैमेज लोगों को डैमेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो हम देखते हैं, वो तो पता चलेगा जब वोट आउट होगा कौन क्या है। गौतम आपको क्या लगता है? हाँ भाई बोलो, आज तुम अपनी तरफ से बहुत बोल रहे हो, अब गौतम सर की तरफ से बोलो। अरे मैं बोल लूँ, तू बोल, मैं बोल लूँ, मैं अपने लोग से बात। नहीं भाई मेरा बोलने का हक है, मैं बोल रहा हूँ। एक काम कर, चल तू एक काम कर, इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, इसको अकेले अकेले करने दो, खेलने दो इसको, मैं आराम से 10 मिनट इसको करने दो बात मेरे गैंग से। अरे उसको उसको बोलने प्लीज, उसको बोलने थोड़ी रोक देंगे क्या, ये 30 मार खाना है। मैं अभी बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए खेलो, मेरा गैंग खाली कर दो एक मिनट में, पर अपने लिए खेलो यार। जो लोग तुम्हें ब्यूटी दे सकते भाई वो तुम्हें तुम्हारे लिए क्या खेलेंगे। सही खेला है अब तक और अच्छा ही चल रहा है तुम्हारा। ट्रस्ट यू मैम। बेवकूफी मत करो, किसी और की बातें में मत आओ। अब एक तरफ वीकनेस हो रही है, अटैक हो रहा है तो तुम पे दूसरी गेम खेली जा रही है। दिमाग लगाओ, दिमाग से काम लो भाई। नाइस, हम डर गए वीक होके। शिट मेरे लात पैर कांप रहे हैं, ओह गिर ना जाऊं। वेरी फनी। आई एम फनी। आर वी टेकिंग अ ब्रेक गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? या यू गाइस ऑलवेज नीड अ ब्रेक जब भी कोई बहस होती है, तो यार शायद आपको चाहिए होगी बड़ी देर। प्रिंस भाई इतने सैवेज क्यों हैं? काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी, लग रहा था कि अब ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, वोट आउट कंटिन्यू होगा या हमें वापस भेज देंगे, समझ नहीं आ रहा है। बट फाइनली गौतम सर वापस आ ही गए एंड वोट आउट कंटिन्यू हुआ। सो गौतम अभी आपका टर्न है भाई, किसको इम्यूनिटी देना चाहोगे? किसी को पिचिंग करनी है बोलो। मैंने हर क्लास के अंदर कभी भी आपको निराश नहीं किया है एंड आई हैव अ फीलिंग कि आज मैं टारगेट होने वाला हूँ अगर अलायंस ब्रेक हो चुकी है तो इफ़ यू वुड सेव मी इट वुड बी रियली ग्रेटफुल। तुझे क्यों ऐसा लगता है अलायंस ब्रेक हो चुकी है? अगर मैं जेन्युइनली देखूँ तो जिस हिसाब से ये लोग भी बात कर रहे हैं, हमने गैंग में भी जो बात हुई, आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट आई वुड बी टारगेटेड इफ द अलायंस इज ब्रोकन। इफ इफ किसने किया? किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? मैंने अकेले ने नहीं तोड़ा है ब्रो। वाओ, किसने तोड़ा? नाम बता दे, नाम बता दे ब्रो, नाम बता ना ब्रो, किसने तोड़ा? किसने बोला अलायंस टूट चुकी है? देखते हैं एक बार क्या हो गया, अगर ट्रस्ट टूटेगा अगली बार अलायंस नहीं रखेंगे फिर। सही बात है ना भूमिका सर? लेकिन ये तो रिस्क हो गया ना हमारे लिए भी, हम किस पे विश्वास करें? हमारे लिए कोई रिस्क नहीं होगा। नो सर, मतलब ऑलरेडी उधर से ब्रोकन ऑलरेडी। बताओ जरा जरा मेरे को, मेरे गैंग में से कौन है जो अपना अकेला अकेला खेलना चाहता है, जरा बताओ। सर अकेले खेलने की बात नहीं है, जैसा था कि अलायंस के साथ चलना है, मैं वो चल रहा था। और अगर एक गेम आपके पास इम्यूनिटी है ना? यस सर। सम टाइम्स यू शुड कीप क्वाइट एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अलायंस दैट मींस कि मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। ट्रस्ट आप कैन आई कंप्लीट? हां हां कर ले कर ले फटाफट। जब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं भी देखता हूँ मुझे धोखा कैसा लगता है, क्योंकि ये सब भी मेरी बात समझ सकते हैं आई थिंक कि मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ, राइट भूमिका? कर तो रहे सर, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना उस चीज पे। बात कर रहा हूँ ना तभी कॉन्फिडेंस की तो बात कर रहा हूँ। मुझे इन पे नहीं है अब कॉन्फिडेंस। हमें भी नहीं है। मैं देखना चाह रहा हूँ ना बिल्कुल इनमें से कौन तोड़ता है अलायंस। ठीक है, उसके बाद मैं इनको खुद बाहर कर दूंगा, डोंट वरी। मेरा वर्ड है, हारना भी पड़ेगा ना मुझको। मैं देखता हूँ कौन तोड़ता है इनमें से मेरा ट्रस्ट। देख विजय, यू आर माय फेवरेट, डोंट बिहेव लाइक अ स्टूपिड गाय। और अगर तूने गड़बड़ की ना तो सबसे पहले तुझे मैं बाहर निकालूंगा। सर इसकी गलती नहीं, ये तो हमारे साथ है। तो किसकी गलती है? राजवीर। राजवीर सर मुझे खुद ही गेम समझ में नहीं आती। सर हमारे गैंग ने जो डिसीजन लिया मैं उनके साथ हूँ, मुझे खुद ही गेम समझ में नहीं आती, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? ठीक है सर, किसकी सुनने के लिए हो यहाँ पे तुम लोग? मेरी ना, तो मेरी बात सुनो, अगर अलायंस है उसको मेंटेन करो, जो बोल रहे हो वो करो। ओके ओके सर। शायद जो गौतम बोल रहा है तुम्हारे लिए सही होगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं, तुम्हें चुप करा देते हैं बोलने से, अगर यहाँ नहीं बोलोगे ना तो घर जाके बोलना। टीवी के सामने जब एपिसोड चल रहा होगा ना कि मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता था पर मेरे गैंग ने मुझे बोलने नहीं दिया,
फर्क कितना है कि ये दोनों मुझे हराने के लिए खेल रहे हैं और मैं तुम्हें जिताने के लिए खेल रहा हूँ। अभी तक कौन जा रहा है घर? अरे घर सबने जाना है, तुम सबने जाना है, कोई रोटी नहीं बन सकता, एक ही रोटी बनेगा बाबू। आज क्या मैं क्या बोला आगे कि तुम जीतो तुम्हारा गैंग जीते, तुम्हारा गैंग जीते, कोई भी जीते, एक अच्छा रोटी जोड़ी जीतना चाहिए, ये बोला था। मैंने तुम्हें कुछ ये तो नहीं बोला कि तुम मेरे कहने पे चलो, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई मैं ना अपनी जीत हार के लिए नहीं खेलता, मैं तुम लोगों के लिए खेलता। मैंने आज तक अपने गैंग पे कोई प्रेशर नहीं डाला कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और तुम्हें बोलने से मनाही नहीं है। ये शो बोलने का है, अगर अपने विचार नहीं रखोगे तो दुनिया नहीं सुनेगी तुम क्या बोलना चाहते हो, दबके रहोगे। ठीक है, और तुम लोग पे प्रेशर है क्या भूमिका ऋषभ निजा? मैंने कभी बोला है नहीं बोलना? मैंने कहा अलायंस जब तक थी प्रिंस की गैंग तक ठीक थी, उन्होंने तोड़ी, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये करना चाह रहे लेट्स डू इट। आगे मैंने ये भी कहा जब तुम्हें डाउट हुआ कि डाउट है तो बताओ, हम हमें बिना अलायंस के भी खेलेंगे, लेकिन जब तक हमारे फायदे की हम खेलेंगे। फाइनल कॉल गौतम, किसी को देनी है नहीं देनी आपको इम्यूनिटी? मैं बिलीव तो करता हूँ आज भी इन सब में कि ये लोग संभाल लेंगे, बट इन्होंने गड़बड़ की है तो अब रोडियम तो देने पड़ेंगे। और जीत लेंगे सर, और जीत लेंगे। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है तुम लोगों पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीयू को बचाता हूँ, पराक्रम इसको बचाता हूँ मैं। सर मेरा रह रहा है अभी, आई एम स्टिल अनसेफ। क्या बोलना चाह रहा है पराक्रम? तू वैसे बोलता नहीं कुछ भी। सर मैं एक ही पॉइंट रखना चाहता हूँ डाउट में। मैं स्पेशली तब आया था जब मेरे को उस गैंग से पता चला था कि ऋषभ पहले बात कर चुका है कि अलायंस हम लोग तोड़ देंगे कभी भी जब हमारा मन करे। कभी जो नहीं भी बोला ये। तो कभी नहीं बोला। देखो वही बोला, देखो वही चीज कंफर्म करनी थी जिसके लिए टाइम हमें मिला ही नहीं। देख मैं दे भी रहा हूँ रोडियम, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने आप लोगों से बोला था तुम वही करना, क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं ब्रेक करता हूँ ना मैं दिल तोड़ता हूँ किसी का। बट किसी को ऐसा विश्वास मत होने दो कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। एंड आई वांट अ सेफ, आई वांट यू गाइस टू बी सेफ एट द सेम टाइम, बट स्टिल आई वुड से एंड आई वुड टेल यू ऑल टू डोंट वरी। सो आई एम गोना सेव, स्टिल सेव हिमांशु। ओके थैंक यू सर। सिर्फ पल्लवी अनसेफ है रिया। अब मुझे लग नहीं रहा अलायंस है, तो मुझे भी लगता है मुझे थोड़ी और इम्यूनिटीज बांटनी चाहिए। बांटनी चाहिए नीरजा। थैंक यू मैम। रिया 4500 ऑडियंस बचे अभी आपके पास, बाकी दोनों गैंग लीडर्स के पास कुछ नहीं बचा। चलिए अभी आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं सर। सर अब कांड हुआ था बॉस। ओ जोकर, हमारी प्रियंका गुप्ता इम्यूनिटी मिली थी उसको, बट उसकी कीमत भी चुकानी बाकी है, राइट? सर। सो प्रिंस भाई। जी भाई। आज जो आपने इम्यूनिटीज खरीदी हैं रोडियम में से, उसमें से एक इम्यूनिटी आपको लेकर किसी और गैंग वाले को देनी है रोडियम। तो आदमी निकल जाना यार, क्या टेंशन है? मैं वाशु की इम्यूनिटी लेके पल्लवी को दूंगा। गौतम की पूरी गैंग इम्यून है इस समय। अरे पल्लवी, प्रिंस सर को जरा थैंक यू तो बोल दो। मैं बोला थैंक यू। ये दोस्ती का हाथ बढ़ा बॉस, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अलायंस का हाथ बढ़ाया उन्होंने। अलायंस का नहीं बढ़ाया भाई, तुम अपना बड़ा खेलो। मैं तुम्हें सच में बोलता हूँ, शायद तुमको मेरी कभी कभी बात बुरा लग जाती है, अपने लिए खेलो, मैं आपको फिर बोलूँगा सबको, क्योंकि शाइन तुमने करना है, हमने नहीं करना है। गेम तुम्हारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तो चलिए एक रोडी वोट आउट होने वाला है और ये डिसाइड करेंगे आप सब रोडी, ठीक है? भाई मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर हमारी टीम में किसी को वोट आउट करो तो मेरे को कर देना, वासु को मत करना। भाई मेरे से ज्यादा इस लड़के को जीतने की उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है। आई है ठीक है भाई, सोच लेना। At this point, this means a lot, even though you know कि आपकी बाकी गैंग्स में काफी सारे दुश्मन हैं। वोट आउट शुरू करते हैं। चलिए पहला वोट देखते हैं। वासु गेम खेलना स्टार्ट करता हूं, शिवेद का नहीं। अगला वोट
शाहिन, बी ए मैन। ऋषभ को पापा बोलना शुरू कर दे। क्या लगता है किसने लिखा होगा? सर आई थिंक प्रिंस सर की टीम से ही है कोई। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं बी ए मैन? सर मेरा नेचर ही ऐसा है कि थोड़ा शांत रहता हूँ एंड बकवास नहीं करता फालतू, किसी से लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं करता मैं। अब जो मोटी बुद्धि वाला होता है उसको लगता है कि मर्द बनना होता है बकवास करना एंड अपने आप को बड़ा दिखाना। अगला वोट। Once a cheater, always a cheater. Shayan, कितने? एक। दो। दो। Shayan, two. Vasu, two. Prince. जी भाई। Expect किया था भाई? हाँ हाँ भाई, मैं मतलब 16-17 तो हैं। क्योंकि इम्यूनिटी छीन के देनी पड़ी थी उसकी। नहीं, इम्यूनिटी छीन के नहीं, क्योंकि भाई वो बेचारे अपने गेम खेलना चाहते हैं, मैं देख पा रहा हूँ वो खेल नहीं पा रहे क्योंकि लीडर्स का प्रेशर है और उसके चक्कर में उनको वहीं करनी पड़ रही है। और वो लॉजिक है, ठीक है कर लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी खाली कर दो, उसके बाद देखता हूँ क्या गेम होगी, तब मजा आएगा। चलिए देखते हैं अगला मजा। शायन, एक्सपेक्टेड थे इतने? हाँ सर, मैं तो यही सोच के खड़ा हूँ कि आज मैं ही घर जा रहा हूँ। पाँच एक्सपेक्टेड है। पाँच एक्सपेक्टेड है, छः तो हमें कुछ बोला था सर। चल देखते हैं, अभी तो पत्ते तो हाथ में आ ही चुके हैं। वाशो, मैं इस इंसान को वोट आउट करना चाहूंगी बिकॉज ये बहुत ही दोगला है। शायद कितने हो गए? चार। वाशु, थ्री। चार, एनफ चांसेस। नेक टू नेक चायन वाशु। अगला चायन। चायन कितना डर लग रहा है तेरे को? सर मुझे पता है मैं ही जा रहा हूँ। वाशु तेरे को? सर कुछ नहीं कह सकते, आज पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अरे दूध का दूध पानी का पहले से ही है, क्या हो गया तेरे को? मैं तो कहता हूँ वो खेलना चाहते पर वो खेल नहीं पा रहे, उनकी मजबूरी है, तुम्हें क्या टेंशन है? अरे वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। जुगिंदर, थैंक यू। जुगिंदर के पास एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार। जुगिंदर ऋषभ क्या बोलता है तू? सर एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी वोट आउट के पहले जोगिंदर भाई ने अनाउंस कर दिया था कि आप सब प्लीज मुझे वोट करिएगा, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का हो सकता है माइंड बदल दिया। तुम्हारा बदल गया ऋषभ, तुम्हारा ही बदला, तुम्हारा माइंड बदल गया, तुम्हारा माइंड बदला है। क्या मेरा माइंड बदला है? ये जो वोट्स हैं भाई, टीम से डिस्कस किया, टीम का बदला है, हम तो यहीं खड़े हैं। टीम का ही बदला, और किसका बदला है? हमने तो रखी, मतलब आपका नहीं बदला। मेरा माइंड नहीं बदला पर्सनली, तुम्हारी यूनिटी थी। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारी यूनिटी नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने अंगूठा दिखा दिया बस, हो गया भाई। यार मतलब कभी आप लीडर की सुनते हो, कभी आप दूसरे रोडी की सुनते हो, अरे खुद खुद की कब सुनोगे? घर जाने के बाद। सही बोला प्रेम, आई लव यू मैन। थैंक यू सर, क्योंकि अभी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए तुझे बोल दिया। थैंक यू, थैंक यू। आई लाइक प्रेम, प्रेम को तो नहीं जाने दे। चलिए अगला वोट देखते हैं। अगला वोट भी तारा भाई जोगिंदर। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। आकृति, तेरा नंबर कहाँ से आ गया भाई? पता नहीं सर, वोट वेस्ट हुआ है सर, आई गेस। जो वोट है वो वेस्ट नहीं हुआ है, मतलब किसी ने लीडर की नहीं सुनी और उसने अपना गेम खेला है। मुझे लगता है मेरे गैंग ने वोट वेस्ट किया, बाकी सारे तो वाशिप हुई है। जबकि करना नहीं चाहिए था यार, बट इट्स योर चॉइस यार।
ये वोट देख के ऐसा लगता है कि पूरी जो प्लानिंग है ना उलट पुलट हो गई है। भाई यही तो देखने में मजा आता है लोगों को बाहर दुनिया को कि जब कुछ अलग होता है, क्योंकि इससे पहले तो वोट आउट की जरूरत ही नहीं थी। आओ ऑब्वियस गेम थी, इसमें से किसी एक को निकाल दो और घर चले जाओ। तो वोट आउट के लिए हमें बुला क्यों रहे थे, सिर्फ वोट डलवाते वहीं से निकाल देते। पर मजे के चक्कर में तो अभी घर जाने का टाइम आ गया दोस्त। 5 वोट बचे हैं। वाशु अगले जो दोनों वोट हैं वो एक ही बंदे के हैं। वाशु बासुन। अरे तू तो इनको ऊपर है, इतने सारे खड़े हैं। गेम खेलना हो क्या करना है वो? लड़ाई वैसे नहीं की जाती, ये देखो स्ट्रोंग कौन है। इनका मन है फिनाले प्रेम के साथ खेलेंगे। इसके साथ हार जाऊंगा तो भी गम नहीं होगा, इज्जत से तो जाऊंगा एटलीस्ट। ट्रू मैन। सर हंसी बता कब आती है? वीक वीक बोलते हैं और फिर खुद ही झुंड में खेलते हैं। प्रिंस आपको लगता था कि अगर वाशु की इम्यूनिटी की बजाय किसी और की इम्यूनिटी लेकर उधर दी जाती? भाई किसी की भी देता वही जाता, क्योंकि जो 3 इम्यूनिटी आने आज ली हैं उसके अंदर देखो तीनों अच्छे प्लेयर हैं, किसी को भी निकालता उन्होंने उसी को वोट करना था। और बहुत ऑब्वियस गेम है वो, तो मुझे पता था कि वाशु ने निकाला जब मैंने वाशु को निकाला था। वाशु आ जा इधर। नहीं सर, इनके लिए रोडीज रोडीज हो गए, मेरे लिए रोडीज इमोशन है सर। इधर आ जा मेरे भाई। भाई मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर आप कर्म के लिए खड़े हो तो आपको दिख रहा है कि बहुत ऑब्वियस गेम चल रही है, और ऑब्वियस गेम ना तो हमें पसंद आती है ना लोगों को पसंद आती है। आई डोंट नो, ये डिजर्व नहीं करता अभी जाना। आई थिंक इसने भी बहुत कुछ करना है। और ये यार एक ना शो ना एक मौका होता है गाइस, तुम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना उतना उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी को भी निकालते हो ना, अपने गैंग को ही बोलता हूँ, किसी को भी निकालते हो तो सोच के निकालो कि किसके लिए कितना शो कितना अहमियत रखता है, क्योंकि हर किसी को चांस दोबारा नहीं मिलता। कहीं इतना मत घुस जाना उस चक्कर में कि बाहर जीत के भी हार जाओ, ठीक है? एंड में लोग प्यार लोग ही देते हैं, ये कोई गैंगस्टर नहीं देगा तुम्हें प्यार। भाई फ्रैंक, अरे तुम सही कर रहे हो भाई बिल्कुल, क्या हो गया? शान से जाना, इन गधों की तरह मत करो ना। साहब तो पिच भी नहीं करूँगा। मत करो, मैं तो कह रहा हूँ तुम साले जाओ, कोई चक्कर नहीं। जब टॉर में जाओगे ना मेरे बिलीव करना, बाहर जाके देख लेना किसी को कितना प्यार मिलेगा। सर पता है वो जीत के भी जीतेंगे नहीं। खेलना किसके साथ है? कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? ये परिवार में क्रिकेट खेलेंगे। तू अकेले जीतने आई है ना? सर रोडीज यहाँ एक नाम के पीछे भाई या बहन लगता है, ठीक है? वो तभी लगता है जब तुम्हें गुर्दा होता है खेलने का। सर एक ही रीजन है ना, आपको सर नहीं भाई बोलते हैं, बाकियों को सर और मैम बोलते हैं। समझ जाओ यार, क्या टेंशन है? आई रियली वाना सी दिग्विजय जब मेरा गैंग खाली हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम नंबर्स में पीछे हो और तुम हारते हो तो सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में से ऊपर तू आता है भाई, तेरा नंबर भी पहले दूसरे में लगेगा। नहीं नहीं, वैसा जो पर्टिकुलरली एक इंसान का नाम नहीं ले सकते, मेरी पूरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे ऑल आर। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो कहीं नहीं कर, तेरा देखने का तरीका अलग, मेरे देखने का अलग है ना। और प्रिंस भाई आप कह रहे हो ना कि वाशु को निकाल दिया और ये कब तक मेरा साथ देंगे? सर आज बात वर्ड की थी, सर मेरे को अपनी जबान की बहुत वैल्यू है, इनको मैंने आज पहले दे दी थी, पहले दिन जबान दिख गई थी सर। यार मैं वर्ड्स की बात ही नहीं कर रहा बाबा। सर 2-3 दिन पहले अगर ये आए होते और इनको मैं बोल देता तो वही करता सर। और सर मैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं मानता इनको। स्ट्रॉन्ग आ जा अभी, वन ऑन वन आ जा। अरे ब्रो तेरे को 4-5 चांसेस मिले, तू आज जा रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ब्रो तेरी कितनी दिखता है शक्ल में, पहले दिन सर ये मेरे पास ही आके बोल रहा भाई भाई प्लीज बचा लियो भाई वाशु प्लीज। हाँ भाई तू जान दे, क्योंकि तब तक चांस नहीं मिले थे। अगर मैं बेकार परफॉर्म करा होता तो मैं चला जाता भाई। वासु सब छोड़ भाई, इसकी टीम बोलती है जब ये सेफ होता है ये अलग होता है, जब ये डेंजर में होता है अलग होता है। बोल रहा था सर मैं अकेला खेल रहा हूँ गेम, मेरे को अपनी टीम के साथ नहीं खेला, मैं अपनी टीम को भी निकाल दूंगा जिस दिन मौका मिलेगा। किसने बोला ये? दिग्विजय। ये आधा पानी वाला लोटा है, कभी इस साइड जाता है कभी उस साइड जाता है। बिल्कुल भी नहीं सर, स्टार्टिंग से मेरे वर्ड्स वही हैं। प्रेम इट कुड बी हिज गेम नो। अबे तू अपनी गैंग के साथ नहीं खड़ा हुआ, तू क्या बातें कर रहा?
मैं क्यों भाई, ये अपनी गैंग में आपस में ही नहीं खड़े हुए हैं, ये गौतम सर की नहीं मान रहे हैं। सर आज सिर्फ मैं आपकी आपके वर्ड पे खड़ा हुआ था, सामने सब बहुत सेल्फिश डिसीजन था। सर मैम आपको ही बताना चाहूंगा, उस दिन यही खड़े थे, मैं यहाँ खड़ा था, पीछे से आवाज आती है गेम पलट दो, गेम पलट दो, भूमिका को निकाल दो। इन सब ने मिलके बोला था, प्रागरण ने भी बोला था, पीयू ने भी बोला था और राजवीर ने भी बोला था। तू सच में अपने गैंग का नहीं है बाबू। जब अलायंस थी तब गाइस सुन लो, ध्यान कान खोल के सुन लो, जो तुम्हारे दोस्त है उसमें तुझे ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी। गैंग में ही नहीं है सर अपने, आप मेरे को बताना सर कि इस पर ट्रस्ट करके आगे चलू मैं, कभी भी मैं नहीं करने वाला। मैं डे वन से देख रहा हूँ उसको। ऐसा नहीं है, तुझे ना ये बात बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि तेरे गैंग ने क्या डिसाइड किया था, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तुम दोनों भी अलग खेलोगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, अगली बार ही हो सकती है। तो तू अपना पहले ही बता रहा है, तू क्या तेरा गैंग क्या बात कर रहा है, तू अपने गैंग को अनसेफ कर रहा है। सर गलत खेल रहे हैं तो गलत खेल रहे हैं ना सर, तू सिखाएगा क्या गलत। तभी तू हर जगह से सुन रहा है, आज हर जगह से कोई दिक्कत नहीं आई मुझे सुनने में, तो सुन मैं सर सुन लूंगा, मुझे गलत कर दिया ना। तू हर किसी के पास आता है, फेस इसकी वजह से पहला था, ठीक है पहला पी उसके हमेशा ही होती है, उसकी हमेशा ही होती है। दिग्विजय आई डिडंट लाइक दिस साइड ऑफ योर्स। दिग्विजय चल, जहां पर तूने इतना बोल दिया कुछ बातें मैं बोलता हूँ। मैं जितनी बार कैंप में आया ना तेरे गैंग में से मेरे पास कोई कभी नहीं आया बोलने के लिए। हाँ भाई, तू मेरे पास आया है 10 बार बोले सर अपने गैंग को बोलो कि मेरे को। ये बात नहीं बोली सर कि अपनी गैंग को बोलो कि मेरे मेरे को सपोर्ट करे। अबे दोगले सुधर जा, अब सुधर जा, तू अब सुधर जा। नहीं बोली, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया को बोलूंगा भाई मेरे को ना गालियां देना। तूने बोला नहीं कि सर मैं आपके गैंग के पास बहुत बार गया हूं, पर उन्होंने मेरी कोई बात ही सुनी। आप आपके गैंग को बोलो सर, ये बोल रहे हैं मेरे को सुने, मतलब तो यही है। मैंने कहा था कि मैं गैंग से बात करूंगा, आपने बोला था कि साथ में खेलो और बढ़िया बढ़िया बंदे आगे जाओ, बट सर वो सुनते ही नहीं थे कभी मेरी, तो फिर मैं भी अब अकेले खेलने लग गया ना। ओए तू कब आया मेरे से बात करने पहले टास्क के बाद? तू कभी नहीं आया, तुमने सुनू कभी नहीं आया। तू जाता था मां प्रिंस भाई की, भाई जाता था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। मैं एक चीज बोलता हूँ, एक चीज में ये ऋषभ और एक चीज में मेरे को अच्छे लगते हैं कि इन्होंने जब भी पिच किया ना अपने गैंग को लेके पिच किया है। तूने जितनी बार पिच किया ना इंडिविजुअल पिच किया, ग्रुप का सगा नहीं है ये किसी का सगा नहीं है भाई। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज इसका भी विश्वास टूट गया। जब मैं इनको इनके कैंप में टेंट में गया था तो एक नाम था जबरिया गैंग से, अगर कोई होगा, अगर सचिन हुआ कुछ भी हुआ, तो इसने मुझे आके बोला कि मैं सचिन और कुछ लोग हैं मेरे, मैं उनको वोट आउट नहीं कर सकता भाई, कि मैंने बोल रखा और मैंने जो कहा था कि तेरा ट्रस्ट बहुत जल्दी टूटेगा और तूने आज देख लिया। चलिए आज रोडीज ने मिलकर वाशु को वोट आउट कर दिया, ठीक है। वाशु तू ना ऑनेस्टली जाने वाला नहीं था आज, बट वो जो कांड हुआ था कांड की वजह से आज तू जा। चलिए एक काम करते हैं, कांड की वजह से जा रहा है तो एक कर्म को लेके आते हैं हम लोग। तू रेडी रही हो भाई? ओके okay. So, कांड की कीमत की वजह से वाशु वोट आउट हुआ और कांड की कीमत को काट सकता है सिर्फ कर्म। रोडीज में कर्म और कांड को तोला जाएगा तो सोनू अस्त्र पक्का चलेगा। जोकर कांड ने प्रियंका को इम्यून बनाया, तो अगर ये कांडी जोकर कर्म करता है तो वाशु को एक और मौका मिलेगा। कांडी जोकर को अपनी इम्यूनिटी अगले 2 वोट आउट के लिए त्यागनी होगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तू मत बजाइयो। और ये भी याद रखो कि जब प्रियंका गुप्ता प्रिंस के गैंग में आई थी
तो उस समय एक खोटा सिक्का जैसी दोनों अस्त्र उस पे चला और उसको लेके आना पड़ा। और आज इसी प्रियंका गुप्ता ने अपनी दो इम्यूनिटी सैक्रिफाइस करके वाशु को वापस लेके आई है, तो इसने वो कर्म किया है। धीरस आज कमाल का था वैसे चहल का हमारा आखिरी दिन, क्योंकि कल हम जा रहे हैं सोलांग वैली। कैंप पे वापस आते मुझे एक बंदे पे बहुत गंदा गुस्सा आ रहा था, दिग्विजय पर, क्योंकि उसने मैनिपुलेट किया था सबको वाशु के खिलाफ। तो हमारा पूरा गैंग जाता है दिग्विजय पर और टूर पड़ता है भाई साहब। गांव वालों, एक बंदा बाहर हो गया अपने टेंट से, बोलो कौन? कौन? भीख मांग मांग के आया था कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। तुमने पहले दिन बचाया था मुझे। तू लायक नहीं, तू लायक नहीं है। जैकेट निकाले, टी शर्ट उतार ले, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और दो तीन घंटे कर ले, बोलना घुस जा, अकेला खड़ा भाई, अकेला खड़ा। हाँ क्या बोल, फाड़ करेगा, क्या करेगा? अबे फाड़ी तेरी टास्क में। क्या फाड़ी? कब क्या है गन वाले टास्क में, सूखे वाले टास्क में? मार कर देता। मुझे तो उनसे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी कर लो भाई, गेम पलटा दी तो पलटा दी। अपनी नाम की सोलो खेलेगा ना? हैं क्या गैंग का सगा नहीं हुआ तू? कैसे सगा हुआ मैं अपनी गैंग का? अपनी गैंग तू मेरे भाई, हाथ मार के सच नहीं बोल रहा था। हाथ अगली बार टच हुआ ना यहाँ से मारता हूँ, ले जाऊंगा घर तक का। ये ले टच हो गया, क्यों? क्योंकि तू है उनके, तू बोल रहे पापा तेरे को खिला देता, उनकी टट्टी टीम देख के मेरे को उनका तरस आ रहा है। मैं बोल रहा कि भाई ऐसी टट्टी टीम आई है उनकी कि मेरे को तरह सारे लगता है ना। सभी एक-एक करके बोलो, एक-एक करके आ जाओ, लाइन बना लो, लाइन सुन, आराम से सबका जवाब देगा ना, है ना? आज का फैसला इतने मत जल्दी जाता भाई, मेरे को रिस्पेक्ट ना, वोट आउट ने बोल दिया तेरे बारे में, तेरी औकात क्या है? कोई ठीक है भाई, प्रिंस भाई अपनी गैंग को बोलना मेरे सब सपोर्ट। मैंने बोलने की नहीं, चल उनके मुंह में आने बात झूठ बोलेंगे, मैंने उनको नहीं बोली है बात, सच बोलता है ना, झूठ बोलेंगे प्रिंस भाई ने, वो तू प्रिंस भाई झूठ बोल रहे। बस यही करो, टास्क में कुछ मत करो, टास्क में हगो आगे, छाती तान दो, मैं आऊंगा, मेरा गेंस आएगा ना? मैं नहीं, नहीं मेरा गेंस आने वाला है। अशोक मेरा गेंस आने आया तो था, करना आया तो था, टाइम मत चौपटी दीजिए। अशोक दो मिनट रुक जा, जा बात आराम से करके। और वही श्वेत भौंकी जा रहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं सीधा ये बोल रहा था भाई तू करके दिखा देना जो इतना बोल रहा है, तो उसकी और ज्यादा जल रही थी, और ज्यादा जल रही थी, और मुझे और ज्यादा मजा आ रहा था। प्रिंस भाई के दम पे कब बोलोगे अपना भी कुछ कर लो, किल सा दिए प्रिंस भाई तुमने, किल सा दिए प्रिंस भाई तुमने। प्रिंस भाई खेलते नाम से, हाँ दो सेकंड नहीं लगाना मैं, हमें इम्यूनिटी तो मैंने तुम्हारे कैंडिडेट को ना देख लिया मैंने, तुम्हारे कैंडिडेट भाई मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अबे ये बोल ही नहीं रहा उनके बारे में, रुक जा यार, जवान दे सामान, मर दे ना सामान, आपका तेरे दिमाग में फिर से लग रहा है, इसका टास्क होगा तुम्हें चूज करेगा, अबे तेरे ऑलरेडी फेल जाएगा ना, तेरे को ऑलरेडी एक को जिसको हरा देगा, एक को ना करेगा, तू एक बार जिसको हरा दूंगा बार बार नहीं हराने का मन करता है मेरा, अबे अबे एक बार हार गया कितना भाई मंद बुद्धि, जिस बात की वजह से तेरी जली है ना जो अलायंस कंटिन्यू नहीं होने दी, जब तक मैं गेम में हूँ ना तो तुम्हारे रास्ते तो सीधे कभी होने भी नहीं दूंगा। मैं अपने टेंट से बाहर निकलती हूँ और सारी की सारी लड़कियाँ एक साथ खड़ी हुई हैं और कुछ डिस्कशन कर रही है, डिस्कशन में मैं अपना नाम सुनती हूँ, मैं जाके वहाँ पे खड़ी होती हूँ। वो पीयू हमें बोल रही है कि तुमने कैसे, तुमने अलायंस नहीं देखी, तुमने अलायंस फिर भी शायान का नाम डाल रखा, लो कैसे
बोलना शान का नाम तूने लिखा, वैसे हमें बोल रही है तू कि भाई तूने लिखा है भाई जाके ना बाहर देख लिया। वोट आउट था, काफ़ी डिफिकल्ट था, स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन थी। मेरे को फिर से नहीं था कि मेरे को किसी से आर्गुमेंट करना है, चिड़चिड़ाना करना है। भाग क्यों रही है? भाग क्यों रही है? मुझे भाग क्यों रही है? अरे वो करनी नहीं है। इधर चल। हमारे टेंट में भी कहते हैं जोर-जोर, भाग मत दे। यहाँ झगड़ा, वहाँ झगड़ा, यहाँ झगड़ा। मैं खुल के देख रहा था भाई, झगड़ो। सब झगड़ रहे थे। रूडीज के कैंप में चिल्लम चिल्ली मच गई। क्या बोल बोलना तू तो स्टैंडर्ड की बात कर रही थी। कौन से स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करना तू बता बता। मैं तो तुझे बोली निकल। तू क्यों बोली मेरे को निकल? मेरे को नहीं निकलने का है। मैं नहीं निकलेगी। क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? नहीं रे पापा, मुझे बहुत ज्यादा पोक कर रही है। मेरा वहाँ पर दिमाग इतना गरम हुआ। फिर बोलियो समझा क्या? उड़िया मार, स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल में एक जीता मेरे लिए। क्या क्या कब से देख रही हूँ? मैंने आशिकों को सिर्फ इतना बोला कि बाबू इतने पास मत जा कि तेरा हाथ उठ जाए, इतना ज्यादा एग्रेसिव मत हो। तू बस मेरे को धक्का मारी हो, तेरे को व्हीलचेयर पे नहीं भेजी ना फिर से। आशिका सुरवे नाम नहीं है मेरा, नहीं रहेगा फिर तो। लावा पर मुंह से बोलो। मैंने भी बहुत सारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, मैं उसका ये नहीं उठाती, घमंड नहीं उठाती। आंखें मत रोल कर। शिवित की साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती है। वो बोल रहा है कि आशिका को कि धक्का मत दे, मतलब व्हिच इज वेरी वेरी वियर्ड। सेक्सिस्ट, यू नो द मीनिंग ऑफ सेक्सिस्ट? या डू यू नो? यू नो व्हाट? यू नो? नो नो, व्हाट दिस वर्ड? पता नहीं कहां से इस भूमिका के अंदर का कीड़ा जागा और मुझे बोलती है सेक्सिस्ट। जब तू लड़कियां भी लड़ सकती है तो लड़के भी। मैंने ये नहीं बोला, सुनो, मैंने क्या उसे मान लिया? मैं पास था, मैं हाथ ना उठाता। तो बस मैं उसे बाहर बस बताता जरूर। मैंने उसे कहा शो में मत उठा, मेरी गैंग से एक बाहर जाएगी। तुझे ये पता है बोला मैंने? तू लेकिन होमोफोबिक है, तू ट्रांसफोबिक है। तू मुझे बताएगी कि मैं होमोफोबिक हूं या नहीं? तू है, तूने बोला है? दो विटनेस खड़े हैं तेरे सामने। मैं होमोफोबिक हूं, कब बोला मैं? ट्रांसफोबिक होमोफोबिक? क्या बोला? मैंने नहीं बोला कभी। क्या बोला? क्या बोला बता? इसने बोला था कि ये तो लड़का है, ये तो लड़का, तो लड़की है ही नहीं। हम टास्क के बारे में बात कर रहे थे, बोले थे कि नीरजा भी दूसरा है। तेरी बोलती बंद हो गई थी वहां पे। भूमिका को सिर्फ एक काम आता है, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाना। उसको सिर्फ एक बार मैंने नीरजा को मजाक में लड़का बोल दिया था, उसे एक मजाक को उसने बना दिया कि मैं होमोफोबिक हूँ, ट्रांसफोबिक हूँ। दे जाओ तू बड़ा हो जा। मैं कभी नहीं रोता। सुनो, होमोफोबिक हाँ मैं हूँ, मेरी चॉइस है। Oh my God, मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, बोल लिया, ठीक है, ठीक है, यही तो सुंदर था, यही सुंदर था, तू पहले मत बोल, तू पहले मत बोल, ओ तू बार बार, तेरी बार बार गालियों के अलावा, तुझे टास तो समझ में आता नहीं है, टास में हक्कर आता है हर बार, अब भी बोलते सॉरी, आप तो आप तो करती भी नहीं हो, भाई जब करूंगी ना, जब मैं करूंगी, आप तो चूज नहीं करती गैंग लीडर, जब मैं करूंगी तब तो गैंग लीडर चूज नहीं करती, तभी तो टास में कभी चूज नहीं करती, पता है बकबक करेगी बस शो में और कुछ नहीं करेगी, सबको पता है, मेरा मुंह मत खुलवाना, तू क्या खुलवा मेरे से बाहर जाऊंगा ना, एक स्टोरी डालूंगा आपके लिए, उस दिन बस उस दिन ना तेरी लग जाएगी, एक कॉल रिकॉर्डिंग होगी आप ही की। हाँ, क्योंकि आपने किसी को कॉल किया था, याद रखना। किसको कॉल किया था मैंने? वो आपको मैं बाहर बताऊंगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ। किसको कॉल किया था? आपकी इज्जत बचा रहा हूँ बस। धमकी नहीं, मैं मुंह पर बता रहा हूँ, गलत है भाई। सुन, मैं धमकी दे रहा हूँ, कुछ गलत नहीं उसमें, सब बातें शो से रिलेटेड है। वो जो बोलता है वो दूसरे लोगों को ट्रिगर करता है, तो तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। आपने मुझे सेक्सिस्ट बोला, आपने मुझे होमोफोबिक बोला, मैंने आपको क्या बोला? तू है लेकिन, ठीक है, मैं हूँ तो मेरी मर्जी, मैंने बोलती हाँ क्या है? तुझे पता है मेरी बैक स्टोरी? एडमिट कर लिया है मेरी बैक स्टोरी क्या, तुम्हें पता है? ट्रांसफोबिक, एवरीथिंग फोबिक, हर फोबिक हूँ एंड ये मर्द है।
थोड़ा सा बायोलॉजी तूने पढ़ी होती तेरे को ये चीजें समझ में आती। डू यू नो मैं आई डोंट वांट टू नो योर बैक स्टोरी। द थिंग इज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ ट्रांस वुमन। हां ब्रो तेरी बैक स्टोरी मेरी बैक स्टोरी सुनने का मेरे साथ तो हजार आदमी आए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। मैं तेरे से नफरत करने बैठ जाऊंगा यहां पे? नहीं ना, मेरी लाइफ है आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ है आपकी लाइफ है। देन ब्रो यू रियली नीड टू लर्न बेसिक मोरल और एथिक वैल्यू इन योर लाइफ। हां नहीं सीखनी क्योंकि तू आदमी नहीं है। शिवेट ट्रांसफोबिक होमोफोबिक। कैमरा दे दो मुझे कैमरा दे दो। अच्छा तेरे जैसे नहीं बोलती मैं। सिंपैथी सिंपैथी करते ना। पहले दिन ट्रांस मैंने पहले दिन बोल दिया मैं यहां पर आज मैं आपसे बहुत क्लीन बात करता हूं। हां हां खत्म कर भाई आगे प्लीज करने दे। अरे करने दे ना इसको करने दे। खत्म करो। मैं कैंप जाता हूं तो वहां पर फिर से मैं देखता हूं मेरा गैंग की फाइट चल रही है। आपने जब मेरा पीआई आपके साथ हुआ था आपने बोला था कि मेरे लिए हर एक इंसान एक जैसा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलो कि प्लीज ऐसा इंसान थोड़ा सा ठीक हो जाए। यहां पे अगर नहीं बोल सकता कि ट्रांसफोबिक है तू। मैं जहां गलत है वो गलत है। अभी क्या होता है तेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा होगा उस बैगेज को तू कभी भी किसी सॉरी टू हर के ऊपर नहीं उतार सकता। सुन क्यों तुझे वो रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी? तुझे नहीं पता उसका ड्रामा कहां पे? जैसे उसे नहीं पता तेरा ड्रामा कहां पे है। ट्रिगर्ड फॉर व्हाट? क्योंकि वजह से ट्रिगर होगी। पुटिंग ऑल स्टोरीज अबाउट समथिंग इट्स लाइक ट्रिगरिंग बिकॉज़ सम थिंग्स आर ऑलरेडी आउट। इट्स जस्ट सो बैड। कुछ भी बोले जा रही है उसके बारे में पता नहीं है उसका। सॉरी टू हर नहीं आप सेक्सिस्ट हैं। सुन तो लो बात। बात कर रहा है उसको यार। पर्सनल चीज हो रही है। शो से रिलेटेड है। शो से रिलेटेड है तो फिर पर्सनल। तुम्हारी पर्सनल बात हुई। हमारी पर्सनल बात हुई। खड़े होके नहीं बोल सकता। आई बात समझ में आ रही। मेरे को प्यार करता ना तो सॉरी बोल। तू मेरे लिए कर सकता ना? मैं एग्जैक्टली सॉरी बोल। और इसका भी कभी ऐसे नहीं बोलूं। भाई मत आ भाई। अब चल भाग यहां से। चल भाग यहां से। खेल के भी बताऊंगा आपको क्या है। भाई शिवी मत कर, बता रहे मत कर यार। क्या क्यों लड़ रहे हो यार? बोल क्या है? तूने पूरी बात सुन। बातें क्यों बोली? पूरी बात सुन ले फिर मेरे को बोलियो कि मैं गलत स्टोरी लगाएगा। क्या स्टोरी लगा देगा? क्या कॉल रिकॉर्डिंग लगा देगा? क्या लीक कर देगा? जरा बता। किसकी बात? क्या लीक कर देगा? ये बोलेगा तूने बोल जाओ उससे बोल जाओ कि तो वो लड़की मेरे को कुछ भी बोली जाए मैं सुनता रहूं। वो भी रियली लाइक यू क्यूट बॉय। उससे बोल जाओ नहीं लगा रहा वो खतरा कोई चीज को। मेरी बात सुन। बड़ी संभव बोल दूंगा इसको। मेरी बात सुनेगा फिर तो बोलिए मैं गलत हूँ या नहीं। भाई वही खड़े सब सुन रहे थे। पहले सुन ले। अगर मैं आशिका को बोल रहा हूँ कि बाबू हाथ मत छोड़िए उसके ऊपर, ठीक है, इसमें ये पॉइंट कहाँ से उठता है भूमिका का कि तू सेक्सिस्ट है? उसके बाद अपने आप ही उठ गया कि तू होमोफोबिक है। चलो सब गुस्से में है भाई। भाई देखो वो पिछला उसका इशू है और वो आज से हमारे टेंड में बात नहीं हो रही है, एक हफ्ते से बात हो रही है ट्रांसफोबिक और होमोफोबिक को लेकर। मुझे नहीं जानना पर यू हैव टू से सॉरी। सर मैं सॉरी बोलने जा रहा हूं तो क्या कोई कोई को मार भी हम बैक कर रहे हैं तेरे को दूर से चाहे उसके पास। अभी उसका वो पॉइंट चल रहा है ना अभी वो थोड़ी सी मेरे को पता है। मेरे को दूर से सॉरी बोल और सुबह जैसे ही उठेगा सबसे पहले जाके सॉरी बोलेगा और बताएगा तेरा मतलब जो नहीं था वो नहीं है। क्योंकि तू इंसान गलत नहीं है तो ये दो अक्षर वर्ड गलत बोल के क्यों गलत बोलना? चाहे वो हीट ऑफ सिचुएशन में कैसे भी निकला सॉरी बोलना कैसे मेरी गलती है। सिर्फ हम लड़के रो नहीं सकते तो मुझे ये समझ आता है कि हम रो नहीं सकते तो हमें सिंपैथी कभी लाइफ में नहीं मिलने वाली। क्या आई नो आपके पास कुछ बैगेज होगा उसका जो सुनाना, बट आप भी ये समझो मेरे पे भी आपने जो वर्ड डाला उसका मेरे पे कितना बड़ा बैगेज है। मेरा पास भी उससे बहुत खराब रहा है। जिंदगी में हर कोई ट्रॉमा से गुजरता है, ठीक है, उस ट्रॉमा को तुम अगर ठीक से नहीं करो तो तुम अपने लिए दूसरों के अपने लिए गड्ढे खोदते हो। बाबू मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ बात। आपने जब आप बेटर फील करोगे तब मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। बट मेरी ऐसे बोलेगा तो तू कनेक्ट नहीं कर पाई। तू मूव ऑन। मैम ने भी बोला ना मैम ट्रॉमा से आई चीजों से मूव ऑन कर भाई उससे। आई विल मूव ऑन नो बट आई नीड आई ऑब्वियसली नीड टाइम। आप मेरी बात सुनो। आपने मिले मुझे सेक्सिस्ट। आई हैव अ ट्रॉमा ऑफ दैट टू। आपने बोला होमोफोबिक। आई हैव अ ट्रॉमा ऑफ दैट टू। मैं इतना ज्यादा इंस्टिगेट हो गया कि मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सो सॉरी। मैंने जो आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी टू लाइक बट स्टिल वी नीड टू टॉक एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस। ठीक है ओके। भाई आप ही तो कहते हो खुले में चौड़े में खेलो। यार दूसरों को गलत दिखा के तो मत खेलना यार। हमेशा बच्चों को बोलता हूँ जितने स्ट्रॉन्ग है ना उनको बचा कर रखना। बिल्कुल ठीक है। मजा आए बिल्कुल ठीक है। फिर हारने में भी मजा आता है भाई। बिल्कुल ठीक है भाई। तगड़ा था यार। कंपटीशन करो ना यार फिर वो जीत हार मैटर नहीं करेगी। भाई सही बोल रहे हो। मैं अग्री करता हूँ सारी बातों से आपकी। ऐसे ही नहीं बोल रहा सही में करता हूँ दिल से। ये क्यों बोल पाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे रहकर फिर वहाँ आ गया हूँ। पता है भाई दो बार देखे सारे सीजन बाकी रिजेक्ट हो गया है।
ठीक है, वो और फील्ड में कुछ अच्छा करके आए हैं, पर ये तो हम ही करके निकले हैं ना। ठीक है बाय बाबा। रोडीज इतनी आसानी से गेम वैसे नहीं चलने देता जैसे तुम चाहते हो, कुछ तो होगा जहाँ से वो टेबल टर्न हो जाएगा। जब मेरे पास मौका आएगा तो उसको मैं बहुत सही तरीके से यूज़ करूँगा, और जब मैं यूज़ करूँगा तो तुम सिर्फ सोचोगे कि हुआ क्या।